पटना के गोपालपुर से अपराधियों ने सीमेंट व्यवसायी को अपहरण कर लिया। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम एक्टिव हो गई, तो वहीं इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इनपुट के आधार पर पुलिस ने जयपुर सेतु के पास अपहरणकर्ताओं को घेर लिया और 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है और व्यवसायी को सकुशल बरामद भी किया। 1 स्कॉर्पियो भी बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस आगे की छानबीन में जुटी हुई है। तो देखिए, गोपालपुर से अपहरण किया गया, जेपी सेतु के पास गिरफ्तारी की गई है 5 अपराधियों की, सीमेंट व्यवसायी का। इन लोगों ने अपहरण किया था। पूरा मामला है राजधानी पटना का, जहां पर पुलिस ने घेराबंदी कर 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया, साथ ही व्यवसायी को सकुशल बरामद कर लिया गया है। वहीं मौके पर से 1 स्कॉर्पियो को भी बरामद किया गया। तो पूरा मामला पटना से, जहाँ पर पुलिस ने घेराबंदी कर 5 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। और हमारे सहयोगी मरगूब आलम फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मरगूब, ये बताइए कि ये कितने बजे की घटना है और अब तक पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की है गिरफ्तारी के अलावा? लेकिन गोपालपुर, पटना का जो गोपालपुर थाना क्षेत्र है, वहां से एक सीमेंट व्यवसायी का पता हुआ था जी। प्रारंभिक तौर पर एक मामला दर्ज किया गया था, लेकिन इनपुट के आधार पर जब पता चला कि ये फिरौती की रकम के लिए किया गया, पुलिस को जैसे ही जानकारी मिली, पुलिस ने तत्काल इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के आधार पर तुरंत पटना के एसएसपी ने कई थाना अध्यक्ष को अलर्ट किया, एक विशेष टीम का गठन किया गया और इलेक्ट्रॉनिक इनपुट के आधार पर घेराबंदी करके जेपी सेतु के ठीक आगे, क्योंकि जो जानकारी मिली थी पुलिस को, ये लोकेशन यह आ रहा था कि जेपी सेतु के आगे सोनपुर और छपरा की तरफ अपराधी अपहरणकर्ता लेकर के गए हैं। उसे तत्काल घेराबंदी करते हुए एक संदिग्ध एस्कॉर्पियो को जब खदेड़ा गया, जब कह सकते हैं रोकने की कोशिश, तो वो भागने लगा। उसके बाद पुलिस ने घेराबंदी करके उसे रोका, वहां से उस व्यवसायी को बरामद कर लिया गया। 5 अपहरणकर्ता गिरफ्तार किए गए, स्कॉर्पियो बरामद किया गया, वो मोबाइल भी बरामद किया गया जिस मोबाइल से फिरौती की मांग की जाने वाली थी। पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है। क्या ये मामला रैंसम फॉर मनी है, लेकिन क्या उसके पीछे विशुद्ध किडनैपिंग का मामला है या कोई वजह है, पुलिस मामले की जांच कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस ने तत्परता से बड़ी कार्रवाई करते हुए सफलता प्राप्त की है और व्यवसायी की जान को बचाया है। और फिलहाल व्यवसायी से भी पूछताछ चलेगी, 5 अपहरणकर्ता को जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है जी। चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया मरगूब आपका। तो देखिए, व्यवसायी को सकुशल बरामद कर लिया है पटना पुलिस ने और तत्परता से एक बड़ी वारदात को, घटना को अंजाम होने से बचा लिया गया है।